बांका में फर्जी थाना मामले का खुलासा करते हुए बांका पुलिस ने मुख्य सरगना भोला यादव और उसकी सहयोगी अलका देवी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर SDPO DC श्रीवास्तव और बांका थाना अध्यक्ष की टीम द्वारा दोनों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही बहुत सारे फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं इस बाबत बांका SP सत्यप्रकाश ने बताया कि मूल रूप से ये सभी लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों का आर्थिक दोहन करने का समूह है। गिरफ्तार सभी लोग सरकारी योजना का फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को इसका लाभ दिलाने के एवज में पैसे की वसूली करते थे, साथ ही फर्जी पैसा कमाते थे। अब तक इस मामले में गिरफ्तार सभी 7 लोग बांका जिले के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। संख्या 526/22 हमने एक दर्ज किया था, जिसमें एक ठग जालसाज के रूप में भोला यादव और उसकी एक सहपाठी थी अलका कुमारी, ये लोग जो है इन लोगों को कल आज गिरफ्तार किया गया है। सुबह में इनके पास से एक छोटा डायरी और इनका कागजात गिरफ्तारी में पाया गया है, और ये संगठित रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर भोले भाले आम जनता को ठगी का शिकार बनाने का काम करता था। और पूर्व में ये अनुराग गेस्ट हाउस में एक रूम लेकर के फर्जी सरकारी कार्यालय के रूप में ये लोग चलाते थे, जिसमें ये लोग झांसा देकर बिचौलिए का काम करते थे। और इनके ठिकाने से प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आवेदन पत्र, उपस्थिति पंजी, पासबुक, चेकबुक, बिहार राज्य खाद्य निगम का रजिस्टर, सरकारी जमीन पर बनी दुकान का आवंटन हेतु पोस्टर, आम लोगों का आधार कार्ड, निर्वाचन प्रमाण पत्र का छाया पर प्रति इत्यादि बरामद किया गया है। पूछताछ में ये लोग आम जनता को झांसा में लेने के लिए गार्ड के रूप में चौकीदार एवं सिपाही के ड्रेस में गेट पर रखा करते थे, ताकि आम लोगों को विश्वास हो जाए कि ये सरकारी कार्यालय है, और उस जगह पर ये लोग अपना काम बखूबी ये करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।